इत मार्ग पैर हरि जय सिर दी जय जीवन की छड़यास ओ सपना की हे रब हे सस हे करुणा नित हे रब हे सस हे करुणा नित हे रब हे सस हे करुणा नित हे रब हे सस हे
ये रब है सस है करना।
सस हे हर नानक हे रब हे सस हे हर नानक मेरी अघै विनती सुन ली मेरी अघै विनती सुन ली हे रब हे सस हे कर नानक हे रब हे सस सुखदाईया मिलया सुख पाया
जिसके पट पागा लाल रंग किसका लगा, लाल रंग किसका लगा, जिसके नानक कुर्बानी
नानक कुर्बानी, नानक कुर्बानी, नानक कुर्बानी, जिसके करम ले कमान हण बाणतान, करम ले कमान हण बाणतान, जब बाण लग्यो तब उस जग, जब पान लाग्यो तब उस जग, जब बाण लाग्यो
प्यार दुखागे सब त्रास पागे प्रण त्याग पागे सब त्रास जब आव कियोद निधान बने अति हिरण में
हिरण में तब जूझ मरो हिरण में तब जूझ मरो हिरण में तब जूझ मरो वाहे गुरु वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी च विराजमान दसां गुरों की जोत शब्द गुरु का स्वरूप उन्होंने छत्र छाया उन्होंने सिर ते साडे हाथ ते कृपा संगत रूप च बैठे विराज के तुसीं सत्तवियां घलूघारा दा सप्ताहिक 1 जून तो 6 जून तक मना रहे हो। महापुरख सिकंत ज्ञानी हरनाम सिंह जी खालसा भिंडरांवाले मुखी दमदमी टकसाल अते प्रधान संत समाज तिन्हां ने रहनुमाई करदिआं संगत नूं गाइडलाइनस दिंदिआं वड्डे महापुरख मद्दे मुजाहिद तपस्वी महान शहीद अमर शहीद संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा तिन्हां दे संगसार श्रोमणी सिंह अते अनेकां ही होर जिन्ने भी जीव सन उस तरीक ते उन्हां दिनां दे उन्हां दी शहीदी दुखदायक ये घटना हिरदे वेदक ये घटना असीं उन्हां दे सेवक हाँ इस इलाके दे हाँ असीं मना रहे महापुरखों की हदायत मुताबक जो उन्होंने कहा सोशल डिस्टेंस कायम रखना मैं रोज़ चेते करवा कि आपसी दूरी थोड़ी बना के रखो आपसी दूरी जिनी 4 फुट 3 फुट बाद दरिया का प्रबंध है शां काफ़ी है ये जरूरी है जो महापुरखों ने हदायत की है जो सोचा विचारा हालातों मुख रख के असी इस संक्षिप्त समागम कर रहे हैं संखेप समागम कर रहे हैं 4 तो 5 आप रोज़ सरवण करते हो कीर्तन ज्ञानी रणजीत सिंह परसों तो 5 तो 6 जिन्ना भी चौन महापुरखों की रसा तो ये असी गुरत्या सरवण करते हो। चैनल का नाम फिर बोलांगा फिर बेनती करांगा फिर चेते करांगा संगत चेहरे कच के मूँह कच के अते सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखे आग्ञा बख्शो। महापुरखों के चरणों से बेनती है कि अपनी रसना तो पावन पुत्र ये सानू त्याग सरण कराओ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु नानक पद पंकज बंदन पद पंकज बंदन सिमरो अंगद दुख निकंदन अमरदास गुर हृदय त्यागो गुर हृदय त्यागो श्री गुरु राम दास गुण गावो श्री अर्जुन विघ्नन के नाशक विघ्नन के नाशक हर गोबिंद शुभ सुमत प्रकाशक श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी
गुर हर कृष्ण मनाए बहोरी तेग बहादुर परम कृपाल परम कृपाल श्री गुरु गोबिंद सिंह विशाल तरो तरा पर पुन पुन शीश पुन पुन शीश बंदों बार बार जगदी जिसमह अमृत ज्ञान है माणक भगत वैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कार्यम राग श्री गुरु शब्द कमाए जिन जीते पंच बिकार तिन सनो बंदना सिर चरणन पर तार एक अंकारा सतगुरु ते प्रसाद सच हो वाहिगुरु जी की फतेह बिघन विनाशन सोए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी भानू सुगड़ सो जगनानंद आए गुरु अर्जन पद बंद भानू सुगड़ सो जगनानंद परम सन्मान योग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह आप सरबत संगतां बहुत बहुत वड्डियां भागां वाले हो जिन्हां नूं दसम पातशाहियां दे पावन प्रतख स्वरूप तख्त चबर छत्र दे मालक सतगुरु धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन परम पवित्र हजूरी विखे जुड़ करके जून 1984 दे घल्लूघारे दे समूह शहीदां दी याद विच इन्हां शहीदी समागमां अंदर शहीदी दीवाना अंदर सत संगत करन दा हाजरियां भरन दा मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफल करन दा शुभ सुभागा समां प्राप्त हो रहा है। सत संगत जी जून 84 दे घल्लूघारे दे शहीदां दी एक एक दास्तान एक एक दिन एक एक कां एक बड़ा रोचक इतिहासक उन्हां दी करनी और कुर्बानी दा कमाल है। सत संगत जी इस धर्म दे जंग दे तीन जरनैल जिन्हां दा विशेष रूप दे विच इह जांदा है अमर शहीद भाई साहब भाई अमरीक सिंह जी प्रधान आल इंडिया सिख स्टूडेंट्स सिख फैडरेशन अमर शहीद जनरल सरदार सुबेग सिंह जी और अमर शहीद जथेदार बाबा ठारा सिंह जी इन्हां दी कुर्बानी भी बा कमाल हुई है उस अस्थान उत्ते। संखेप विच आपां इन्हां शहीदां नूं भी नाल नाल याद रखना जिन्नी जिन्नी सिमरती विच उन्हां दा इतिहास आए उन्ना उन्ना कापां संखेप मात्र विचारना भी जरूरी है। सत संगत जी बाबा ठारा सिंह जी
औरंगाबाद दे रहन वाले सन। बचन सिंह जी खालसा पिंडरां वाले जथे समेत हर साल तख श्री हजूर साहिब विखे कथा दे समागम हित जाया करदे सन और जथा एक महीना लाथे रह के कथा दा प्रवाह चलाया करदा सी। महापुरख उत्थे गए हुए सन और बाबा ठारा सिंह जी नूं किसे ना किसे तरह प्रेरणा मिली। महापुरखां दे दर्शन होए कथा सुनी ऐसा मन खिचे अपना घर बार छड के पक्के तौर ते जथे विच आ गए। बाबा ठारा सिंह जी दा पहला नाम भाई अवतार सिंह सी। जथे विच उन्हां नूं भाई अवतार सिंह कह के बुलाया जांदा सी। वड्डे महापुरखां दा इह सुभाअ सी कि कई वेरी नितनेम तो अलावा किसे स्याणे सिंह नूं अपने पास उच्ची थां ते सज्जे हथ बिठा के जिवें पुरातन साडे इतिहास दे स्रोत ग्रंथ है जां श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पर्याय हन जिन्हां विच वख वख विद्वानां दे लिखे हुए ये धार्मिक पर्याय हन जिवें साधु सुते प्रकाश दे पर्याय बड़े प्रसिद्ध मन्ने जांदे है जिन्हां ने महापुरख ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा सुंदर सिंह जी भिंडरां वालियां दी संगत विच्चों विद्वता दा गुण धारण कीता सी। और इसे तरह साधु संत गोविंद दास उदासी दे पर्याय इसे तरह वख वख इतिहासक स्रोतां नूं कई वारी सिंघां कोलों सुनिया करदे सन। और बाबा ठारा सिंह जी तो महापुरख संत भाई थारिया सिंह जी होए है। उन्हां दी जीवनी मैं भी पढ़ी है। उन्हां महापुरखां दा जीवन बाबा ठारा सिंह जी नूं अपने कोले बिठा के सुनिया करदे सन। उन्हां दी जीवनी सुनदिया सुनदिया महापुरखां ने नाम ही भाई थारा सिंह रख दिता। और साधुआं वर्गा देखो करनी जीवन बाबा ठारा सिंह जी दा ऐसा महान साध संगत जी जां मौत तो जित साधु प्राप्त करदा जां शहीद प्राप्त करदा दोनों दा रुतबा समान है। पूर्ण साधु भी और धर्म दी खातर जूझण वाले शहीद भी और जथे विच शामिल होए कितना लम्मा समा सेवा कीती। तीन पीढ़ियां तक तीन मुखियां दे नाल बाबा जी रहे और सेवा दौरान जिथे सेवा भी करदे हाँ उत्थे कोई ना कोई गलती भी हो जाती है, सुभाविक है। बाबा ठारा सिंह जी तो कोई गलती हुई उन्हां नूं महापुरशां ने जथे दे विच्चों तोर दिता। और जदों महापुरख संत बाबा जरनैल सिंह जी दमदमी टकसाल दे चौदहवें मुखी थापे गए तां बाबा जी दा मन अपने घर विच नहीं लगदा सी। बड़ा कारोबार सी उन्हां दा, बड़ी महाराज दी बख्शिश सी। पर ओ देखो उन्हां दी निम्रता उन्हां उत्ते गुरु दी रहमत बख्शिश गुरसिख दी करनी वेखो कि ओ इत्थे मिहते आए और अपने चेहरे नूं कालख मल के दरवाजे दे बाहर मुख दरवाजे दे बाहर खड़ गए। गलती कोई बहुती वड्डी नहीं सी पर खिमा जाचना दा कैसा निम्रता भरपूर तरीका। जदों संत बाबा जरनैल सिंह जी नूं पता लगा कि आ गल होई है वड्डे महापुरख संत बाबा करतार सिंह जी खालसा जी दे समय ओ गलती दे कारण जथे विच्चों जाना पिया ते महापुरख साध संगत जी आप गेट ते चल के गए। अपने परने नाल बाबे थारा सिंह जी दे चेहरे तो कालस साफ करके ना गलवकड़ी विच लै लिया नेत्रां विच संतां दे हथरू चल पए। और बाबा ठारा सिंह ने की किया महापुरख जिवें मच्छी तो मच्छी पानी तो बिना तड़पदी है ये हंसां दे मान सरोवर तो बिना जिन्ने पल जिन्ना जिंदगी दा समा लंघिया मेरा इस तां तड़फदियां गुजरिया हुण जिंदगी विच विछोड़ियो ना अपने चरणां नाल ला के रखियो ते अपने नाल ही तुसीं लै जायो मैनूं।
साध संगत जी देखो गुरमुखां दे बचन अंदरों उन्हां नूं सतगुरु की प्रेरणा कैसी मिलती है कि कहिंदे अपने नाल ही लै जायो विछोड़ा ना दिओ कदे वास्ते विछोड़ा झलना बहुत दुखदायक है झल्लिया नहीं जा सकता। महापुरख हस के संत बाबा जरनैल सिंह जी कहन लगे त्रिकाल दर्शी महापुरख कहिंदे ठारा सिया आपां कट्ठे चलांगे सतखंड नूं जदों भी गए चिंता ना करी किसे गल दी। सो साध संगत जी वेखो वाहिगुरु दी नेत सत पुरशां दे बचन बाबा ठारा सिंह जी दी शहादत सचखंड श्री हरिमंदर साहब होई ओ पल कोई समा हुंदा साध संगत जी ओ समा जे किते बाबा जी दे हत्थों खुंझ जांदा ना तां अज बाबा ठारा सिंह जी संत बाबा जरनैल सिंह जी दे नाल श्री हरिमंदर साहब ना बैठे होंदे। अज जिथे महापुरख संत बाबा जरनैल सिंह जी दा शहीदी अस्थान सोभनीक हो रहा उत्थे अमर शहीद भाई अमरीक सिंह जी दा भी बाबा ठारा सिंह जी दा भी जनरल सरदार सुबेग सिंह जी दा भी बल्कि जून दे सारे शहीद सिंह उस अस्थान ते अपना चौंकड़ा ला के बैठे है सदा लई। बाबा ठारा सिंह जी दी ओह निमरता ओह करनी ने उन्हां नूं सदा लई अमर कर दिता इतिहास का सुनहरी पन्ना बन गए। दुनिया जिन्ना च रहेगी उन्हां दी शहीदी दे गुण गायन संगतां करदियां रहणगियां। जिथे संत बाबा जरनैल सिंह जी का जिक्र आएगा जिथे इन्हां शहीदां दे जिक्र आउणगे उत्थे बाबा ठाकर बाबा ठारा सिंह जी नूं भी संसार चेते करेगा। इसे तरह इस धर्म युद्ध दे जो सब तो वड्डे हीरो है जिन्हां ने महापुरख संत बाबा जरनैल सिंह जी की अगवाई विच सारा जंग लड़िया जनरल सुबेग सिंह जी भी जदों आए सन तां इत्थे मैते आए सन संतां दे दर्शन करन वास्ते उदों अजे धर्म युद्ध मोर्चा नहीं लग्या। पुराने सिंह दादे आ महापुरखां नूं बेनती कीती मैं कोई कौम की सेवा करनी चाहना आप अपने चरणा च मैनू थां दिओ मेरे तो कोई पंथ की आप सेवा लो। महापुरख कहन लगे जनरल साहब बड़ा सत्कार किया उन्हों का जीवन वेख के कहन लगे कोई नहीं समा बहुता दूर नहीं आन वाला ही है समा। सो साध संगत जी समा आया जनरल साहब बड़ा संकोचमा जीवन सी ओ सिंघां नाल बहुत घट बचन करते सन बाणी पढ़ते रहते सन और महापुरखों नाल ही खास वार्तालाप करते सन जिहड़ी उन्होंने करनी बाकी उन्होंने जो महापुरखों का इशारा सी कि धर्म का युद्ध लड़न दीआं तैयारियां करो सिंघां नूं नाल लै के उस काज विच लगे रहिंदे सन। सिंघां दा जीवन उच्चा सुच्चा सी साध संगत जी अमृत वेले जदों श्री अकाल तख्त साहब जी तो पालकी लगभग 3 बजे तुरदी है सियालां विच थोड़ा लेट गर्मियां विच पहलां तुरदी है समय अनुसार जनरल सुबेग सिंह जी इशनान करके नितनेम करके रोजाना अमृत वेले पालकी नूं मोढा देण वास्ते श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे सरूप वाली पालकी नूं आप नाल चलिया करदे सन पालकी साहिब नूं रोजाना मोढा दिया करदे सन। 4 तारीख नूं कहिंदे पालकी नूं मोढा दे के अंदर गए महाराज दा सरूप लैके गए श्री मुख वाक सुनिया 5 बजे बाहर आए। एक सिंह भाई भगवान सिंह ने अपनी गाथा लिखी है जो जोधपुर जेल विच भी बाद विच रहे वो कहिंदे श्री अकाल तख्त साहब ते एक गोला वज्जिया जिहदे नाल चारे पासे बहुत ज्यादा चानना हो गया मैं डर गया भयभीत हो गया। कहिंदे जनरल साहब उधरों दरबार साहब तो श्री मुख वाक सुन के आए मेरे मोढ़े ते हाथ रख के कहन लगे सिंघा डरी दा नहीं जंग दे विच जिहड़ा बंदा डरदा ना वो बहुत वड्डा नुकसान करा लैंदा जंग विच बहुत वड्डा धीरज रखी दा सियाणप रखी दी है और जंगा जिहड़ियां लड़ियां जांदियां बड़े वड्डे हौसले ते वड्डे दिल नाल लड़ियां जांदियां घबरा ना वेखी हुण जंग होएगा
दुनिया वेखेगी कि किहो जिहा महापुरखां दे सिंघां ने जंग करके विखाया संसार नूं। इहो जी चढ़दी कला, इहो जे उहनां दे वार्तालाप, इहो जिहा उहनां दे हिरदे विच उमा होना, साध संग जी हरी सरी व्यक्ति दे अंदर ये भावनावां, ये सोच, ये विचार कदे भी नहीं आ सकती। और जिस जालम ने हरिमंदर साहब दे उत्ते हमला कीता, उसने अपने हथी आप ये गल्लां लिखिया। कहिंदा 2 जून का दिन सी, कहिंदा मैनू इन्ना किसी भी जरनल सुबेग सिंह बड़ा तेज दिमाग जरनल रहा साड़ी फौज का, भारतीय फौज का, कि बंगलादेश नूं आजाद कराउण वेले उन्हें 90,000 फौजियों कोलों हथियार सुटवा के उन्हां तों आत्म समर्पण करा दिता सी। बंगलादेश दा जे हीरो सी तां जनरल सरदार सुबेग सिंह सन, और सरकार ने गुरसिख होण दे नाते उस समय दी सरकार ने उन्हां नाल फिरकू अख नाल वेख के उन्हां नाल बड़ा धक्का और वितकरा कीता सी। जिहड़ी पदवी देनी सी उन्हां नूं उह नहीं दित्ती गई, बल्कि उन्हां दी थां किसी होर हिंदू नूं उस अहुदे दे उत्ते नियत कर दिता, ते जनरल साहब दा हक मारिया गया। केवल किस करके? एक गुरसिख होण करके। सिखां नाल किन्ना धक्का कीता गया समें दीआं हकूमतां वल्लों, जबर जुल्म सिखां नाल किन्ने ढाए गए। जनरल साहब दलगीर नहीं होए, उदास नहीं होए। उस दिन तो उन्होंने फैसला कर लिया, प्रण कर लिया कि अज तो बाद इस जालम हुकूमत की मैं नौकरी चाकरी नहीं करांगा, इन्हों का गुलाम नहीं रहांगा, और अपनी कौम की खातर इस जरबाणी हुकूमत नाल मैं टक्कर लैके इन्हों लोहे दे चने चबावांगा। सत संगत जी, 2 जून की रात फौज ने बाहरों बड़ी जोरदार फायरिंग की, तो जनरल साहब के दिशा निर्देश मुताबक अंदरों दुनाली बंदूकों के फायर कढ़े गए। जान के ये बड़ी लम्मी सोच, बड़ी सियाणप होंदी है जंगा लड़न वाले योधियां दी। ते कहिंदे ओ जनरल, कहिंदा मैं ते मेरे साथी जरन बड़े खुश होए कि इन्हां कोले कोई मारू वध हथियार नहीं। वो कहिंदा मैं 14 गुरसिख बंदिया नूं तैयार करके फौजी रूप दे विच संत बाबा जरनैल सिंह जी दे पास भेजिया कि तुहाडे कोले कोई बहुता लड़न वास्ते जखीरा नहीं, सिले खाना नहीं, कोई वड्डा तोपां दा भंडार नहीं, कोई बहुती सिंघां दी फौज नहीं, लड़के एवें जान क्यों गवाउणी है। कहिंदा असीं अपने वल्लों संतां नूं कई लालच भी पेश कीते, खास तौर ते असीं बहुत वड्डियां रकमां, बहुत वड्डे अहुदे देण वास्ते भी नाल उन्हां 14 गुरसिख फौजियां दे नाल उन्हां नूं सिखा के सारा कुछ भेजिया। तां कहिंदे उह संत जरनैल सिंह जी दे बचनां तों ऐसे प्रभावित होए, उह 14 दे 14 उन्हां दे कोले रह गए, वापस मुड़ के नहीं आए। संतां दा ऐसा साध संगत जी, उन्हां दे जीवन दा प्रभाव, व्यक्तित्व ऐसा तेजमय और आकर्षण उन्हां दा, जेड़ा उन्हां दे संपर्क विच आउंदा सी उन्हां दा बन के रह जांदा सी। दुनिया अपने भरावां उत्तों दी जान नहीं निशावर करदी, बच्चे मापियां लई नहीं मरदे, मापे बच्चियां लई नहीं मरदे, पर संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा एक ऐसे महापुरख सूरबीर योधे होए जिन्हां दे एक बचन उत्ते लखां सिंघां ने अपनियां जानां दे दित्तियां, शहीदियां पा लईआं। ये उन्हां महापुरखां दा ऐसा प्रभाव, ऐसी करनी सी। कहिंदे असीं सोचिआ कि इन्हां कोले बहुते मारू हथियार नहीं, इन्हां नूं तां 4-5 घंटिआं दे विच ही काबू करके हरिमंदर साहब नूं इन्हां तों आजाद करा लवांगे। कहिंदे असीं 2200 फौजी 2 जून की रात नूं तैयार करके ऐन पूरे हथियारां नाल लैस
उन्हां नूं दसी जुगती ढंग तरीके नाल दरबार साहब दीआं परिक्रमां विच भेजिया। असीं आखिया कि हुणे खुशी की खबर आएगी ते दो घंटियां दे विच विच हरिमंदर साहब अकाल तख्त साहब नूं आजाद करावांगे ते खुशी दे जशन मनावांगे। पर कहिंदे जदों 2200 साडा फौजी जवान गया, 1700 मगर होर उन्हां नूं कवर करन वास्ते असीं तैयार करके रखिया होया सी कि इन्ने ही बहुत है, लोड़ नहीं ज्यादा दी, इन्हां नूं काबू करना जां मारना कोई बहुता औखा नहीं। तां कहिंदे जदों घंटा कु गुजरिया रात दे नेरे विच ते आसमान नूं पाड़वियां चीकां अंदरों आ रहियां सन उच्ची उच्ची ते दिल नूं दहलाउण वाला रोण पिटण दा स्यापा साडे कन्नां नूं चीरदा साडे हिरदे कंबा रहा सी। और कहिंदा 2222 दा भज के वापस साडे कैंपां विच आ गया, कुछ की उत्थे मरे ते ज्यादा फटड़ होए। कहिंदा उस वक्त वह जिहड़ा हमला कहिंदे वह जो उत्थे दृश्य वापरिया ना, कहिंदा वह रब नूं भी भयभीत करन वाला जिहड़ा उस समय का दृश्य सी, वह अपनी कलम नाल आप लिखदा। और फिर साध संगत जी, मैं जान के नाम नहीं लैंदा ऐसे पापी लोकां दा नाम की लैणा, तो कहिंदा उस तों बाद जिहड़ा 1964 दी जंग विच पाकिस्तान नाल जदों जंग होई उदों असीं एक खास अलार्म बजाया सी, वह अलार्म सानू उसे वक्त रात नूं बजाउणा पिया और दिल्ली तक सानू वायरलसा तक खड़का के खबर देनी पई कि हरिमंदर साहब नूं आजाद करवाउणा कोई सौखा काम नहीं। मेरे नाल दे जरनैल कहन लगे कि जेकर वो अपनी कलम नाल लिखदा कि भिंडरां वाले दे चेलियां वर्गा साड़ी फौज विच 5000 जवान भी होवे ना, 5000 जवान ते चीन नूं ते पाकिस्तान नूं हिंदुस्तान विच मिलाउणा साडे लई कुछ घंटियां दा कम है। कहिंदा जिहड़ी गल कदे सोची भी नहीं सी, कदे सुपने दे विच ध्यान भी नहीं आया सी, वह गल उत्थे वापरी और आए दिन फौजियां दा एडा वड्डा नुकसान होया जिहड़ा कदे असी सोचिया भी नहीं सी मन दे विच। और फिर कहिंदे असी सोचिया भी चलो हवाई हमला करिए, हवाई हमला असी 3-4 जून नूं करन वास्ते तैयार करके बड़े सुसिख्यत कमांडो असी भेजे। तां देखदिआं देखदिआं पलां दे विच कहिंदे अग दे गोले बरसे और कहिंदे ओ सारे ही कमांडो कोई एक भी जिउंदा मुड़ के नहीं साडे कोले वापस आया। ऐसी वीरता, ऐसी तकनीक, ऐसी सियाणप दे नाल उन्होंने साडा मुकाबला किया कि साडे मारू हथियार भी बेबस हो गए उत्थे और साडी हरिमंदर साहब नूं आजाद कराउण वाली भी सोच जिहड़ी आ सुन हो गई। सानू कुछ सुझदा नहीं सी कि असी हुण करिए तां की करिए। सत संगत जी, ये सारा जिहड़ा प्लैनिंग सी, ये बहुत वड्डी जिहड़ी मेहनत सी इस घल्लूघारे दे जंग विच महापुरखां दी अगवाई विच उहनां दी असीस नाल ये जनरल सरदार सुबेग सिंह जी की बहुत वड्डी घालणा सी। और उहनां दी शहादत भी बड़ी कमाल दी है। सात संगत जी, जदों उन्हां दी शहादत होण लगदी है और मोर्चे दे विच बहुत गंभीर फटड़ हो जांदे है ते अपने साथी सिंघां नूं कहण लगे भी मैनूं चुक के एक वारी संतां कोले लै जाओ, मेरे सवास थोड़े रह गए। जरनल साहब नूं शरीर नूं उन्हां दे नूं बहुत फटड़ होए नूं संतां कोले लिआंदा जिथे अकाल तख्त साहब बणिया, थले भोरा साहब है उत्थे लिया के उन्हां दा शरीर लटाया गया। अजे शरीर उन्हां दे विच प्राण श्वास चल रहे सन, सुरत भी बड़ी कायम सी ते महापुरखां नूं खबर दित्ती। संत इकदम आए
संतां दे शरीर उत्ते चिट्टा चादरा लिया होया सी। जरनल साहब दा सिर चुक के अपने सज्जे पट ते दोनों हत्थां नाल रखिया ते जरनल साहब दे हाथ विच जिहड़ी गन फड़ी होई सी, कहण लगे महापुरखो मेरा ते तुहाडा अज वादा पूरा हो गया। मैनू तुसी कहा सी कि दुश्मन नूं कदे हथियार दुश्मन दे अगे कदे हथियार ढेरी करके हथ खड़े हो के दुश्मन दी ईन ना मन्नी। मैं तुहानू बचन कीता सी कि जिद्दण भी मैं अपना अखीरले समय हथियार देंगा जंग लड़दा वह तुहानू सपुरद करांगा और तुहाडे चरणा विच मैं अपने प्राण छड़ांगा। अज मेरा वादा मेरे सतगुरु ने पूरा कर दिता। सत संगत जी किहो जे शहीद सन, मौत भी इन्हां दे हुकम विच इन्हां दे भय विच सी। देखो मौत उन्ना चिर लिजा नहीं सकी जिन्ना चिर उन्हां दी इच्छा नहीं होई। उन्हां दी इच्छा सी कि अखीरले समय संतां नाल मैं दो बचन करने हैं, अपना वादा अपना बचन जो कॉल कीता वो मैं पूरा करना। और संतां ने अगों की कहा, कहन लगे जरनल साहब तुसी कलगीधर पातशाह जी दे चरणां विच सचखंड नूं चलो, असी तुहाडे मगर ही आ रहे। बस इन्ने बचन होए, संतां ने अपने शरीर उतला चादरा जरनल साहब दे पवित्र शहीदी देह दे उत्ते शरीर उत्ते पाया। उस तो बाद साध संगत जी फिर बड़ा वड्डा 6 जून का जंग जिहड़ा होया उस विच किड्डियां वड्डियां शहादतां कुरबानियां होईयां। एक बड़ा वड्डा इतिहास है साडा तीसरे घल्लूघारे का। सो ये शहीद साडी कौम दे जिन्हां ने एडियां वड्डियां कुरबानियां लासानी शहादतां एडा वड्डा सुमेर पर्बत वर्गा इन्हां दा जिगरा सी इन्हां शहीदां दा जिन्हां दी पवित्र याद विच आपां जुड़ के बैठे हाँ। समां नहीं आ गया दंदा क्योंकि इन्हां शहीदां दी दास्तान जिहड़ी एक एक पल दी है ना, एक एक घड़ी दी इन्हां दी दास्तान है सत संगत जी। और एक एक दिन दा इतिहास है वह बा कमाल है और सुनहरी अखरां दे विच पंथ दे हिरदियां विचों लिखिया गया उकरिया गया है। सच्चे पातशाह कृपा करन दसम पिता धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे एक बचन हन कि शहीद दे मन विच जो भी फुरना पैदा होए ना, जो भी संकल्प उन्हां दा शहीदी होण वेले उन्हां दे मन विच आ जाए, परमात्मा उन्हां दा फुरना उन्हां दा संकल्प परमेश्वर अवश्य पूरा करदा। उन्हों कोई दुनिया दी ताकत नहीं कि रोक सके। जे शहीद कोई इच्छा लैके अपनी शहादत दिंदा तां कहिंदे वाहिगुरू उहदी इच्छा पूरी करदा। जे निष्काम होके कुरबानी दिंदा तां फिर परमात्मा वाहिगुरू परमेश्वर शहीदां नूं अपनी दरगाह सचखंड दे विच अपने कोले बिठाउंदा हमेशा लई। सो सत संगत जी ये जिहड़े शहीद सन ये निष्काम रह के धर्म दी खातर अपना जीवन सफला करन वास्ते इन्हां शहीदां ने कुरबानियां दित्तियां। और जो इन्हां दे संकल्प है जो इन्हां दी इच्छा वाहिगुरू परमेश्वर ने आप ही एक दिन पूरी करनी है। कोई दुनिया दी ताकत नहीं कि शहीदां दे संकल्प नूं कोई रोक सके, ना दुनिया रोक सकती है ना हुकूमतां रोक सकदियां हन, त्रिलोकी भी नहीं रोक सकती। सो सच्चे पातशाह महाराज कृपा करन, आओ संगत जी धन गुरु अर्जन देव साहिब सच्चे पातशाह महाराज शहीदां दे सरताज सतगुरु है जिन्हां ने एडी वड्डी लासानी शहादत दित्ती है, उन्हां सतगुरां दे चरणां विच भाई भानू सुगड़ा और भाई जगनानंद दो सिख आए है। 12 विच सुगड़ दी थां सोहड़ पाठ भी आया, भाई भानू सोहड़ भाई गुरदास जी ने जिक्र किया है पर अमर शहीद भाई मनी सिंह जी ने इन्हां नूं सुगड़ शब्द वरत्या है। इस करके इत्थे भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ने भानू सुगड़ करके ही उन्हां दा जिक्र किया है। और ये सिख की बेनती कर रहे हैं सतगुरु जी नूं, बहुत ही रसदायक कथा है
आप संगतां मन बिरती नूं एकागर करके सरवण करो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी ਭਾਨੂ ਸੁਗੜ ਸੋ ਜਗਨਾਨੰਦ। ਭਾਈ ਭਾਨੂ ਸੁਗੜ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਗਨਾਨੰਦ ਇਹ ਦੋ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਆਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਦ ਬੰਦ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮਸਤਕ ਲਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਬੈਠਤ ਆਪਣਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਖਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਮ ਰੋਕਹਿ ਇੰਦਰੀ ਅਰ ਪ੍ਰਾਣਾ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਠਿਨ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਨੇਤਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆਂ ਵੱਲ, ਕੰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ, ਮਨ ਦੁਨੀਆਂ ਵੱਲ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਇੰਦਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਦੌੜੇ ਹੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੌੜੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਚੈਨ ਨਾਲ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਬੜੇ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਜੋ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਸੀਭੂਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਮਨ ਨੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਰੋਕੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਹਿ ਸਮੇਤ ਉਪਾਏ। ਬੜੇ ਉਪਾਅ ਯਤਨ ਸਾਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਜਪ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਚਹਤ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਭ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇੱਕੋ ਇੱਛਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ, ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸੁਰਤ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਦੇ ਮਨ ਉੱਥੋਂ ਉਖੜੇ ਨਾ, ਲਾਂਭੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਰਹੇ, ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਭਟਕੇ ਨਾ। ਜਬ ਹੈ ਪਦਾਰਥ ਕੁਛ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਵੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੋਚਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਬ ਹਮਰੋ ਮਨ ਤਹਿ ਚੱਲ ਜਾਵੈ। ਇਹ ਮਨ ਇੰਨਾ ਲੋਭੀ ਲਾਲਚੀ ਹੈ, ਸਿਮਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਨਾ ਲੋਭੀ ਲਾਲਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਕੈਸੀ ਗਤੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣੇ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਨੰਦਾਂ ਸਵਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਪਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਕਲਪੋ ਵਿਕਲਪੋ ਹੀ ਮਨਾ। ਮਨ ਦਾ ਰੂਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬੜੀ ਸਾਇੰਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਈ, ਵਿਗਿਆਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਨ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲੱਭ ਸਕਿਆ ਨਾ ਹੀ ਲੱਭ ਸਕਣਾ। ਬਲਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕਰੋ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਮਨ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਸਣਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤਰਕ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿਸਦਾ, ਅਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀਏ, ਰੱਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਖੇ।
देखो बुद्धि किन्नी भ्रष्ट हो चुकी है लोकां दी नास्तिकता दे विच। ते जे इन्हां नूं सवाल करिए कि भी तुसी अपना मन दिखाओ पहला तुहाडा मन कित्थे है, जिहड़े तुहाडे अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार फुरने पैदा हुंदे है, वासनावां पैदा हुंदियां, पहला इन्हां दा रूप दिखाओ, पहला इन्हां नूं तां लभ लो। ये तुहाडे तों लभदे नहीं, ये तुहानूं दिखाई नहीं दिंदे, तुसी गल करदे हो रब नूं देखण दी, रब एवें थोड़ो दिख जांदा। वाहिगुरु परमेश्वर तां जिन्हां उत्ते गुरु साहिब जी दी किरपा हो जाए, ज्ञान अंजन गुरदिया ज्ञान अंधेर बनास, हर किरपा ते संत भेटिया नानक मन प्रगास, दर्शन प्यासी दिन सरात चित भवन दिन नीत, खोल कपट गुर मिलिया नानक हर संग मीत। उन्हां नूं दर्शन होणगे ना जिन्हां ने सतगुरु की आग्ञा विच रह के साधन किते है, और गुरु का हुक्म मनण नाल गुरु की कृपा हुंदी है, फिर कृपा विचों जो इच्छा साधक की हुंदी है गुरु साहब पूरी कर देंदे है। जिन्हें परमात्मा वाहिगुरु के दर्शन करने उन्हां नूं महाराज उहदे भी दर्शन करा देंदे है, जिन्हां दा होर कोई संकल्प हुंदा सच्चे पातशाह वो पूरा कर देंदे हन। सो इस करके महाराज साहिब जी बड़े उपा जतन तरदद करीदे है सिमरन करदे आ, और चाहते की है कि साड़ी लेव वाहिगुरु के चरणों में लग जाए, पर लगती नहीं। कोई पदार्थ दृष्टि गोचर सामने हुंदा है, मन इन्ना लोभी लालची है परम सुख नूं परम आनंद नूं, सारे सुखां दा खजाना जिथों सारा कुछ ही मिलना ना, उस परम सुख नूं छड के मन तुच्छ पदार्थां दे सुखां वल नूं दौड़ जांदा, उधर नूं चलिया जांदा। ये जिहड़ियां साध संगत जी वार्तालाप बचन स्वरूप दे विच सतगुरां नाल हो रहे है, ये हुंदा है साडे, ये सिक्ख्या साडे लई है। उह तां ब्रह्म ज्ञानी फिर कृपा विचों जो इच्छा मन दिखाओ पहला तुहाडा मन कित्थे है, जिहड़े तुहाडे अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार फुरने पैदा हुंदे है, वासनावां पैदा हुंदियां, पहला इन्हां दा रूप दिखाओ, पहला इन्हां नूं तां लभ लो। ये तुहाडे तों लभदे नहीं, ये तुहानूं दिखाई नहीं दिंदे, तुसी गल करदे हो रब नूं देखण दी, रब एवें थोड़ो दिख जांदा। वाहिगुरु परमेश्वर तां जिन्हां उत्ते गुरु साहिब जी की कृपा हो जाए, ज्ञान अंजन गुरदिया ज्ञान अंधेर बनास, हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रगास, दर्शन प्यासी दिन सरात चित भवन दिन नीत, खोल कपट गुर मिलिया नानक हर संग मीत। उन्हां नूं दर्शन होणगे ना जिन्हां ने सतगुरु की आग्ञा विच रह के साधन किते है, और गुरु का हुक्म मनण नाल गुरु की कृपा हुंदी है, फिर कृपा विचों जो इच्छा साधक की हुंदी है गुरु साहब पूरी कर देंदे है। जिन्हें परमात्मा वाहिगुरु के दर्शन करने उन्हां नूं महाराज उहदे भी दर्शन करा देंदे है, जिन्हां दा होर कोई संकल्प हुंदा सच्चे पातशाह वह पूरा कर देंदे हन। सो इस करके महाराज साहिब जी बड़े उपा जतन तरदद करीदे है सिमरन करदे आ, और चाहते की है कि साड़ी लेव वाहिगुरु के चरणों में लग जाए, पर लगती नहीं। कोई पदार्थ दृष्टि गोचर सामने हुंदा है, मन इन्ना लोभी लालची है परम सुख नूं परम आनंद नूं, सारे सुखां दा खजाना जिथों सारा कुछ ही मिलना ना, उस परम सुख नूं छड के मन तुच्छ पदार्थां दे सुखां वल नूं दौड़ जांदा, उधर नूं चलिया जांदा। ये जिहड़ियां साध संगत जी वार्तालाप बचन स्वरूप दे विच सतगुरां नाल हो रहे है, ये हुंदा है
ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਸ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵਾਜੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ ਔਰ 5 ਘੰਟੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ, ਦਸਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੋਲੀਏ ਨਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਦਾਣੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਮੁੱਠ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ। ਕਰਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਐਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਉਂ ਮਨ ਉਹ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ। ਇਉਂ ਮਨ ਨੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤ। ਪੱਛਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਭਟਕਣਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਹੋਰ ਭਟਕਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਸ ਕਿ ਸਵਰਗੀ ਤੁਲ ਸੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਛੱਪਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਨਾਮ ਛੋਲੇ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਜਾਂ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਮਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਿਰਾਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਢਕਣ ਢੱਕ ਜਾਏ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਕੁੱਲੀ ਗੁੱਲੀ ਜੁੱਲੀ, ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਿਆਗੀ ਵੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਰਖਤ ਵੀ ਹੈ। ਕੁੱਲੀ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਛੱਤ ਔਰ ਜੁੱਲੀ ਤਨ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵਸਤਰ ਔਰ ਗੁੱਲੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਭਾਵ ਅੰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਸ਼ੈ ਹੋ ਜਾਣ। ਮਨ ਦਾ ਨਾਸ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਮਨ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਮਨ ਵਸ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ, ਤੱਤਵ ਗਿਆਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਨਿਰਣੇ ਪੂਰਵਕ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਇਹ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਤ ਕਰਤ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਜੜਮਤੀ ਹੋਤ ਸੁਜਾਨ, ਰਸਰੀ ਆਪਤ ਜਾਤ ਹੈ ਸਿਰ ਪਰ ਪਰਤ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੂਰਖ ਮਤੀ ਬੰਦਾ ਵੀ, ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੁਜਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, ਪੜ੍ਹੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਕੁੱਲੀ ਗੁੱਲੀ ਜੁੱਲੀ, ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਿਆਗੀ ਵੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਰਖਤ ਵੀ ਹੈ। ਕੁੱਲੀ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਛੱਤ
और जुल्ली तन ढकन वास्ते वस्त्र और गुल्ली खाण वास्ते प्रशादे दा टुकड़ा भाव अन्न इन्हां दी हर एक नू लोड़ है जिहड़ा शरीर धारी है। इस करके भाई परम शांति तो वाहिगुरु दे नाम विच है। तो ये कहिंदे महाराज मन दीआं वासना शह हो जाण, मन दा नाश की होना, मन वस विच आ जाए, मन वस आवे नानक कृपा होए, तत्व ज्ञान वाहिगुरु की प्राप्ति का ज्ञान हो जाए। ये तिने निर्णय पूर्वक महाराज तत् दे सिद्धांत दे बचन है। ये साडे ते कृपा करके सानू इन्हां दी बख्शिश करो, ये दात मंगी है। महाराज असीं बड़ा अभ्यास करदे आ, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आबत जात है सिर पर परत निशान। अभ्यास करन नाल मूर्ख मती बंदा भी, मंद बुद्धि वाला बंदा भी सुजान विद्वान सियाणा बन जांदा। मूर्ख बंदा विद्या पढ़ी जावे पढ़ी, जिहड़ियां इस्त्रियां रस्ते दे विच बैठियां हुंदियां सानूं दी सुंदरता नूं वेख के ना अपने शरीर के अंगां दे उत्ते दंदियां मार मार के अपना मास कट लैंदियां सन, पर उन्हां नूं दुख नहीं हुंदा सी। इन्नी सुंदरता वाहिगुरु ने इहनूं दित्ती। पर जदों परमेशर वाहिगुरु दा आपां कहिंदे आ ना, उहदा हुक्म वरत्या, उहने परमेशर दी बंदगी ना कीती, भगती ना कीती, ते उह साध संगत जी बाजार दी मंडी विच उहदी सुंदरता दा पता किन्ना क मुल पिया। पुराने समय च माइयां कच्चा सूत कत के अट्टी दे उत्ते अटेर के उहदा गोला बनाया करदियां सन। एक अट्टी उहदे सूत दा कच्चे दा मुल पिया सी जदों उहनूं किसे ने खरीदिया सी, यूसुफ ने। तो ये रोह रहेले विच पारसनाथ इन्ना सुंदर अवतार पैदा होया, बहुती दुनिया इहदी सुंदरता ते मोहित होके दे अधीन हो गई। फिर कहिंदे विद्वान इन्ना सी भी जिहड़ा कोई रह गए थोड़े बहुते उन्हां नूं अपनी विद्या दे चमत्कार नाल, जिवें रजनीश ने अमेरिका वर्गे मुल्कां दे लोकां दी होश भुला दित्ती सी विद्या दे बल नाल। विद्या भी एक शक्ति मन्नी है सारिया निधियां सिद्धियां दे विच्चों, विद्या दे बल नाल ही लोकां नूं जित लिया। ऐसा भाषण ऐसा विख्यान देना जां चर्चा करनी, जिहड़ा कोई थोड़ा बहुता रह गया उहनूं लोड़ ही नहीं पई, उहदे नौकरां चाकरां ने जंग करके उहनूं जित लिया, सारी दुनिया ते उहदा राज हो गया। पर मन दी भटकना फिर भी नहीं मिटी, मन फिर भी नहीं टिकिया, मन नूं शांति फिर भी ना आई। अखीर कटास राज तीर्थ ते मैं लम्मा ना करां प्रसंग, चंदन दी चिखा बना के उस विच सड़ के मर गया कि मेरा मन शांत नहीं है, मेरा मन भटकदा। सो इस करके भाई महाराज बड़े जतन करी दे मन नूं फड़न दे, फिर मन विच्चों निकल जांदा, जिवें पारा नहीं फड़िया जांदा इस तरह मन नहीं पकड़िया जांदा है। सुन बिनती सतगुर सो ठानी, सतगुरु जी ये साडी बेनती है, साडे ते रहम करो, कृपा करो, साडियां वासनावां बस विच आ जाण, मन जिहड़ा है अपना वजूद जिहड़ा है तुहाडे हुकम विच चला लवे, तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाए। देहो उपदेश कहो मुख बानी, ऐसा उपदेश देओ, ऐसे बचन कहो जिस नाल साडी गल बन जाए, वासनावां मिट जान, मन वस विच आ जाए, वाहिगुरु दा तत्व ज्ञान जिहड़ा प्राप्त हो जाए सच्चे पातशाह। जिस ते मन को हम ठहरावे, जिस तरह मन नूं रोक लिए, मन वस विच आवे सच्चे पातशाह। आत्म ज्ञान मुक्त दा पावे, आत्म स्वरूप दा जिहड़ा ज्ञान है उस तों बिना मुक्ति नहीं मिलनी। शास्त्र कहिंदे आ जिन्ना चिर ज्ञान नहीं उन्ना चिर मोक्ष नहीं है। बार बार जन्म मिलेगा, साधना करी जाएगा करी जाएगा। सो इसलिए सच्चे पातशाह
मुक्ति का फल ताई पावांगे जे आत्म स्वरूप का ज्ञान होवेगा। श्री अर्जन तब जतन बखाना, धन गुरु अर्जन देव साहब जी ने उस वक्त इन्हां नूं जतन दसिया, तरीका दसिया। मन को है तुरंग इह प्राणा, महाराज कहन लगे भाई सुनो आपां वी ध्यान दिओ। महाराज कहिंदे जिहड़ा मन है ना, मन मन असवार है, जिहड़े पहला प्राण अंदर जांदे है नाभी तक, बहर उठत ऊपर को आवे, फिर उथों नाभी तो चल के उत्ते नूं बाहर नूं आउंदे हन। जिहड़े श्वास है प्राण, प्राणा दा वेग चलदा है, आउंदे जांदे हन। उठत समय मन को चपलावे, जदों उथों चल आस उठदे है उदो ही मन नूं चंचल कर दिंदे हन श्वास, जिन्ने भी है प्राण है जिहड़े। तांते त्रिकुटी प्राण टिकावो, तांते जिहड़े प्राण है महाराज कहिंदे त्रिकुटी दे विच रोक लो अपने। ये साध संगत जी जिहड़े साधन हुंदे है ना, वख वख जग्यासुआं वास्ते हुंदे है। जिवें वैद जिहड़ा दवाई हर मरीज नूं इक्को जी नहीं दिंदा, हर मरीज का इलाज वख वख दवाइयां नाल करदा। गुरबाणी दे नाम दी कमाई दियां जिन्नियां भी जुगतियां, जिन्ने भी साधन है, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी विच है, गुर इतिहास विच है, किते भटकण दी लोड़ नहीं, किते जाण दी लोड़ नहीं, संगत विच बैठ के विचारन दी लोड़ है बस। जदों संगत विच बैठ के विचारोंगे ना, अपने आप ही तुहानू रस्ता गुरु की बाणी गुरु का इतिहास दिखा दिंदा। इस करके साध संगत जी ये वख वख साधक होंदे आ, साधन करन वाले। जिहो जिहा महाराज जी ने अवस्था देखी उहो जिहा उपदेश दे दिता। हुण किसे गुरसिख नूं कहिंदे तू रसना नाल नाम जप, किसे नूं महाराज कहिंदे नहीं तू पहला जाके सेवा कर, किसे नूं महाराज कहिंदे आ बई तू सुरत द्वारा अभ्यास कर, किसे उत्ते ऐसी कृपा हो जाती है। धन गुरु नानक साहब महाराज जो व्यापारी जो सामने आता उस उत्ते कृपा का हथ रख के बिना कमाई तो बिना साधन तो उन्होंने ब्रह्म ज्ञान दे देंदे है। उदी पिछली कमाई है, पिछले साधन हैं। हर एक जीव की वख वख प्रकृति है, शरीर की वख वख सुभा। एको ही परिवार के एको ही माता पिता तो भैन भरा पैदा होंगे, पर सुभा सारे दे अलग अलग होंगे। जे सुभा वख वख है तो साध संगत जी बिरतियां भी वख वख हैं, तो साधन भी उन्होंने वख वख ही हैं। इस करके महाराज जी ने कहा भी तुसी अपने आ जिहड़ा प्रवटियां दे विचकार थां, इहनूं त्रिकुटी कहा जाता है, तिन्हां दा इत्थे सुमेल है। रहो विचार कहिंदे इत्थे अपने प्राणा नू रोकना करो, गुर शब्द द्वारा ही प्राण इत्थे भी टिकदे है। गुर शब्द दा अभ्यास करदियां करदियां प्राण हौली हौली जिहड़े है उह टिकाव विच एकाग्रता विच आ जांदे है, ते मन दी चंचलता नू काबू गुर शब्द दी शक्ति नाल कीता जांदा है। इउं महाराज कहिंदे त्रिकुटी विच अपने प्राणा नू रोकण दा जतन करो, मन को नाश रीत इस पावो। जदों प्राण टिक गए, श्वास टिक गए, श्वासां दी चंचलता खत्म हो गई, तां मन दा भी अभाव हो गया, मनो नाश हो गया। सकल जगत को मिथ्या मानो, संसार जेड़ा इनू ज्ञान स्वरूप करके मिथ्या जानो कि संसार नाशवंत है, झूठा है। मृग तृष्णा मानिंद पछानो, संसार दे जेड़े पदार्थ है ना जिन्हां वल मन जांदा, वाशनावां दौड़दियां, जेड़ा पदार्थ दिसदा इनू तृष्णा दे जल वांगू, मृग तृष्णा दा जल। जिवें रेतले टिब्बियां दे विच जदों बहुत तपश पैंदी है, मृग प्यासा होया पानी लभदा तो रेत ऐ चमकदी उहनू दिखाई दिंदी है, जिवें पानी दे उत्ते लहरां नहीं साध संगत जी उठदियां, उन्हों यों लगता भी ये पानी दा तलाब, पानी दियां लहरां जदों दौड़ के उत्थे जांदा तां अगे रेत, फिर अगे दिखाई उवें लहरां वांगू रेता दिसदा, उह भुलेखा पै जांदा मृग तृष्णा दा मारिया, फिर उत्थे जांदा। इउं भटक भटक के मृग जिहड़ा है तृष्णा दा मारिया ही मर जांदा मारू थल विच।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਭਟਕਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਈ ਰੱਖਦੀ ਆਪਣੇ ਮਗਰ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਹੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਮਾਲ ਮਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਿਰ ਪੋਤਰੇ ਖਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਾਏਗਾ, ਮੇਰੀਆਂ 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਖਾਣਗੀਆਂ, 10 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਖਾਣਗੀਆਂ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੰਨੀ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਏ, ਇੱਥੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਥੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਰੋਸ ਨਾ ਕਰ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, ਕੁਛ ਕਰ ਲਓ, ਅਖੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ 3.5 ਹੱਥ ਘਨੀ ਤਾਂ ਪੌਣੇ 4। ਕਹਿੰਦੇ ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ 3.5 ਹੱਥ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੰਮਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ 4.25 ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਅਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੈਰਾਗਮਈ ਉਪਦੇਸ਼, ਵੀ ਮਰਨਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਭਟਕਣਾ, ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਸੋ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਐਸੀ ਭਟਕਣਾ, ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭਟਕਦਾ ਭਟਕਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਮਝਣਾ ਕਰੋ, ਅਖਲ ਪਦਾਰਥ ਝੂਠੇ ਜਾਣੇ, ਜਿੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਨਾਸਵੰਤ ਜਾਣਨਾ ਕਰ, ਤਬ ਹੂੰ ਹੋਤ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹਾਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਸਵੰਤ ਹੀ ਹੈ, ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ। ਇਹੀ ਪੜਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫੇਰ ਵੀ ਵਸ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇਵੇ, ਇਹੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪੜਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਅਭਿਆਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੇ ਸਨੇ ਅੰਦਰ ਪਰਪੱਕ ਕਰ ਲਈ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਤੜਫਾਉਣਗੀਆਂ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਨਿਰਣੈ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰੀਜੈ, ਨਿਰਣੈ ਪੁਰਖ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰ। ਨਿਰਣੈ ਪੂਰਵ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਮੰਡਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਡਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਪੰਧ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਕਾਮ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ 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 ਅਖੀਰ ਆਪਣੀ ਮੰਡਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦੋ ਨੰਗਲ ਦਾ ਅੱਡਾ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ, ਸੂਰੋ ਪੱਡੇ ਦਾ ਅੱਡਾ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਾਦ ਦੀ ਖੂਹੀ ਦਾ ਅੱਡਾ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਉਂ ਖਜਾਲੇ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਡੱਡੂਆਣੇ ਦਾ, ਇਉਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਡੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਮ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸੁਖੈਨ ਸੌਖਾ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਣੇ ਪੂਰਵਕ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦਾ ਤਿਆਗਦਾ ਛੱਡਦਾ ਛੱਡਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਨ ਇੰਦਰਾ ਤੇ ਪ੍ਰਰੇ ਲਖੀਜੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਹੈ ਨਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਔਰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਬੁੱਧ ਕਰ ਉਚਿਤ ਜਾਣਵੇ ਅਹੈ, ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਜਾਣਨੇ ਯੋਗ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇੰਦਰੈ ਥੂਲ ਨ ਤਿਸ ਕੋ ਬਲਹੈ, ਇੰਦਰੇ ਸਥੂਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਥੂਲ ਵਸਤੂਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਸਤੂਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ,
ते वाहिगुरु कित्थों दिखाई देवेगा एवें नास्तक गल्लां करदे रहिंदे ए। सतगुर शब्द सार वेदांत, सतगुरु दा शब्द यही सब तो श्रोमणी साधन है, यही वेदांत ज्ञान कराउण वाला परमेश्वर दी प्राप्ति कराउण वाला ही साधन है। करो विचारन होए सख्यात, गुर शब्द दी विचार गुर शब्द दा अभ्यास करो, इसे नाल ही वाहिगुरु अंदर साख्यात नाम हुंदा प्रतख होण दा, पा वाहिगुरु अंदर प्रगट इसे साधन नाल होना, पावे बाहर हो जाए पावे अंदर हो जाए आपे ही उन्हें कृपा कर देनी है। गुर शब्द का अभ्यास करन नाल ही प्रगट होवेगा जो वाहिगुरु ब्रह्म स्वरूप है। शह होए वासन मन है विनाश, जदों वासनावां मिट गईया तां मन का नाश तां आपे ही है, वासना मिट गईया फिर मन का मन की करेगा। सत संगत जी शरीर दे अंग कमजोर हो जाण शरीर की करेगा, कुछ नहीं कर सकता। इसे तरह वासनावां मन दे अंग है, जदों ये कमजोर हो गई मिट गई तां मन का भी अभाव हो जाएगा, मन भी मिट जाएगा। तीर्थ आत्म ज्ञान प्रकाश, फिर कहिंदे आत्म ज्ञान स्वरूप जिहड़ा तीर्थ है ना, ये तेरे हिरदे दे अंदर प्रगट हो जाएगा। जिमें हरिमंदर साहब तीर्थ कलयुग विच प्रगट कीता महाराज ने, हिरदे दे विच आत्म रूप तीर्थ ये प्रतख हो के प्रगट हो जाएगा ज्ञान स्वरूप। है सहायक आपस माही, गुर शब्द दा अभ्यास ते वाहिगुरु दी प्राप्ति दा ज्ञान, ये आपस विच एक दूसरे दे सहायक पूरक हन, एक दूसरे की मदद करन वाले है, सहायता करन वाले है। जीवन मुक्त जो धार है पाही, जेड़ा जीवन मुक्ति वाला गुरमुख है वह गुर शब्द दे अभ्यास नू धारदा है, जीवन विच भगती बंदगी नाम की कमाई करता है, जीवन मुक्ति नू प्राप्त करता है। शरीर दे हुंदिया ही वासना अते मनोनास नू सिद्ध करके फिर अपने परम लक्ष्य उत्ते सुख स्वरूप तत्व ज्ञान दी प्राप्ति दी मंजिल नू प्राप्त कर लेंदा है। जथा शाहो के सूबे तीन, फिर एक प्रमाण दिता है जिमें दिल्ली दे बादशाह दे तीन सूबे सन, तीनों तल को पठवन कीन, बादशाह दिल्ली दे ने ना तिने सूबिया नू अपने वस विच करन वास्ते अधीन करन वास्ते ना तीन सूबे तीन जरनैल तिने सूबिया दे बना के इकट्ठियां नू दिल्ली तो तोरिया भेजिया। तब तिन को सिखिया सिखराई, उन्हां नू सिखिया सिखाई समझाया सोझी दित्ती चंगी तरह। तीनों मिलो परस पर जाई, के तुसी तिन्ना ने अपनी फौज नाल लैके तिन्ना दी फौज इकट्ठी करके तिन्ना ने मिल के जाना है। दुश्मन बलि है समुदाय, जेड़े जेड़े सूबे सर करने है जितने है उन्हां सूबियां दे विच जेड़े पहला उन्हां दे मालक बैठे हो बड़े बली है, उन्हां कोले बलियां फौजां हन। प्रथम सिरहंद करो तकराई, तुसी पहला तिन्ने जाओ तिन्ने आपो अपनी फौज नाल लैके जाओ, पहला तां सिरहंद दी घेराबंदी करो, सरहंद की घेराबंदी करके उस नू जितना करो अपने वस विच लियाओ। उन तीनों लवपुर को साध, फिर तिन्ना ने की करना लाहौर नू चले जाना, लाहौर दे सूबे नू जित के उत्थे अपना राज स्थापित कर लेना है। तस्कर दुष्ट लेहो सब बांध, जिन्ने तस्कर चोर है जिन्ने दुष्ट है जेड़े दुश्मन है उन्हां नू बन के कैद विच पा दियो। उन तीनों कश्मीर सदावो, फिर तिन्ने कश्मीर नू चले जायो हमला करन वास्ते, जिसको साधो अपन बनावो, फिर कश्मीर नू भी सिद्ध करके भाव कश्मीर दे सूबे तो भी सारा कश्मीर खो के अपने अधीन करके उत्थे भी अपना राज जमा लो चंगी तरह। उन तीनों गमनो होए जुदे, जदों तिन्ने थावां ते तुहाडा अधिकार स्थापित हो गया तुसी अपना अधिकार जमा लिया, फिर उत्थों तिन्ने वखो वखरे हो के आपो अपने सूबियां विच जाके अपना अपना राज करो, सरहंद दा सरूबा सरहंद नूं चलिया जाए, लाहौर दा लाहौर नूं, कश्मीर दा कश्मीर विच रह जाए।
ये जुगती नाल तुसी कब्जा करना है इन सूबियां दे उत्ते त्रैपुर करह राज शुभ तदे तिना पुरियां विच तिना सूबियां विच तुहाडा श्रेष्ठ फेर राज हो सकदा जे कले कले जाऊंगे कल्या कल्या तो जितिया नहीं जाना जुदे जुदे जे प्रथम सिधारो जे वखरे वखरे जाऊंगे आपो अपनी फौज लेके के मैं कला कला ही कब्जा कर लवांगा जां जित लांगा ओहे ना विजय काज उर तारो हृदय विच गल पक्की है विसा लो तुहानू जित नहीं मिलेगी प्राप्त नहीं होएगी तीनों मिले करो शुभ सब कार जे मिलके एकता नाल करोगे काम ता सारा कार्य जिन्ना भी है लख एहो तीनों तिसी प्रकार तिन्ने ही तुसी फिर आपो अपनी थां ते जित प्राप्त कर लोगे एकता विच इन्नी बरकत है शक्ति है ਨਿਰਭ ਅਗਿਆਨ ਜੋ ਚਮੂ ਬੇਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਰਾਜਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਉਸ ਅਗਿਆਨ ਰੂਪ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੈਨਾ ਹੈ ਫੌਜ ਹੈ ਸਭ ਥਲ ਲੀਨ ਗੁਣਨ ਬਿਦਾਰ ਔਰ ਇੰਨਾ ਬਲੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧਾਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਕਾਮ ਕਰੋ ਲੋਹ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਕਬਜ਼ਾ ਬਿਠਾਈ ਬੈਠੇ ਹੈ ਰਾਜੇ ਅਗਿਆਨ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਖੈ ਵਾਸਨ ਅਰ ਮਨ ਕੋ ਨਾਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿੱਤ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਅਗਿਆਨ ਅੰਦਰੋਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਕਿ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਦਾ ਅੰਦਰ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਚਲੇ ਜਾਣ ਅਗਿਆਨ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਪਰ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਾਵਾ ਕਰੋ ਇਸ ਅਗਿਆਨ ਰੂਪ ਰਾਜੇ ਦੀ ਫੌਜ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅਗਿਆਨ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਤਵ ਗਿਆਨ ਇਨ ਕੋ ਅਭਿਆਸ ਖੈ ਵਾਸ਼ਨ ਅਰ ਮਨ ਕੋ ਨਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਿਆਨ ਰੂਪ ਰਾਜੇ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਨਾ ਨਾ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਮਿਟੋ ਵਾਸ਼ਨਾ ਸੂਖਮ ਕਰੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਾਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਪਾਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬੋਇੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਦੇ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਣ ਚੱਲੀਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਭਾਈ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਿਰ ਆਰਾਮ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੀ ਕਰਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਈਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠੇ ਪੰਚ ਨਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਬਿਆ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਜਦੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਮਿਟਿਆ ਵੈਰਾਗਮਈ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ 'ਚ ਵੈਰਾਗ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਖੀ ਵੇਖ ਨਾ ਰੱਜੀਆਂ ਬਹੁ ਰੰਗ ਤਮਾਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਦਿਖਾ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜਣਾ ਟਿੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੋ ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਅਭਿਆਸੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਇਉਂ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਕਰਨਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਸੂਖਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਅਵਸ਼ ਹੈ
मन उन्हां दे सिर ते ही बोलदा, उन्हां दे सिर ते ही तुरदा, उन्हां दे सिर ते ही राज करदा है। तत्व ज्ञान इनको कर अभ्यास, तत् स्वरूप दा ज्ञान जेड़ा है इहदा अभ्यास करना, उहदी जुगती दसदे है वी किवें करना है। सास सास सिमरो सतनाम, एक एक श्वास परमेश्वर दे नाम दा सिमरन विच लाउणा, उहनूं कदे अजाई नहीं जाण देना। बस सौखा तरीका, सौखी जुगती, सौखा ढंग, पुठे नहीं लमकना, जल तारे नहीं करना, धूनिया नहीं तपाउणियां, एवें जोर जिहा नहीं लाई जाना भी जिवें जोग मत वाले सोहं सोहं दा जाप करदे आ, जां अल्लाहू अल्लाहू जिहड़े फकीर जाप करदे आ। साडे विच वी वाहिगुरू शब्द दा इहो जिहा ही प्रचलन कर दिता, उच्ची उच्ची। कोई कहिंदा बाहरों वाहे लै के अंदर गुरु लै के जाओ, कोई कहिंदा अंदरों गुरु चक्को बाहर लै के जाओ। मैं ना तां किसे दे लैणा नहीं चाहुंदा, आखे जोर जोर नाल। एक ही तरीका, हर का बलोब ना बलोबो मेरे भाई, सहज बलोबो जैसे तत ना जाए। सहज अवस्था विच प्रेम नाल, शांति नाल, एक श्वास विच कई वेरी वाहिगुरु शब्द का उच्चारण हो जाता, जे भाई सहज नाल किया जाए। इस करके एवें नहीं जुगतियां दे चक्करां दे विच पैना। जिहड़ा तरीका महाराज साहब जे इहो जे तरीके दसने हुंदे तां गुरु साहब सच्चे पातशाह कह दिंदे वी इदां कर लिया करो तुसीं। महाराज जी ने सारी बाणी विच सिमरन दे मार्ग नूं सहज मार्ग दी आग्या दित्ती है वी बाणी पढ़न नाल तां सहज आए, शांति आए, टका आए, सिमरन करन नाल वी उह सहज सुते ही सुते सिद्ध अभ्यास करन दे नाल अंदर आएगा। प्रेम नाल सुते ही, शांति नाल, निर्जतन ध्यान दे के और मन नूं एकाग्र करके। महाराज कहिंदे श्वास श्वास वाहिगुरु दे नाम दा सिमरन करो, यही तत्व ज्ञान प्राप्ति दा रस्ता है। संगत जी ऐसा भी अभ्यासी महापुरख गुरमुख दसदे है कि जे वासना ना मरन, मन दा भाव भी ना होए, तां फिर मेहनत करे जपजी साहब दे पाठ, सुखमनी साहब दे पाठ, मूल मंत्र दा अभ्यास सहजे सहजे करद्या करद्या अपने आप ही वासनावां काबू हो जांदियां। कई वारी मन संकल्प उठाउणों हट जांदा। ये नाम विच बाणी विच शक्ति है। बाणी ने तां धन गुरु नानक साहब जी दे कीर्तन ने तां साहिब सिंह जी बली कंधारी वर्गियां दे रेड़े पहाड़ रोक दित्ते। ते फुरने केड़ी बाग दी मूली है कि बाणी इन्हां नूं रोके ना, वासनावां नूं रोके ना, अग्ञान दी फौज नूं काबू ना करे, वश करेगी। जतन है साधन करन दा। इस करके साधन लगना, साधन दे विच लगना ये जरूरी है, क्योंकि जे साधन नहीं करते फिर तो अपने नालों वड्डा आलसी कौन है। आलसी बंदा कदे जिंदगी च सुख नहीं भोग सकता कदे भी। महाराज कहिंदे उद्यम करेंदियां जियो तूं, कमावदियां सुख पुंच, ध्याएदियां तूं प्रभु मिल, नानक उतरी चिंत। वशिष्ठ जी एक गल कहिंदे है कि ऐ बंदे तेरा सब तों वड्डा जे कोई संसार विच शत्रु है, तेरा वैरी है ना, तू लोकां नूं वैरी ना समझिया कर, तेरा सब तो वड्डा वैरी तेरा आलस है। कहिंदे सब तो वड्डा जे कोई दुनिया विच तेरा मित्र है वह उद्यम है। उद्यम करके वेख लै तेनू सुख मिलेगा। काम कार करन वेले उद्यम कर लै, अमृत वेले उठन वेले उद्यम कर लै, संगत विच आउण वेले उद्यम कर लै, नाम जपन वेले उद्यम कर लै, इहदा फल सुख ही सुख है। अमृत वेले उठन वेले आलस कर लै, किरत कमाई करन वेले आलस कर लै, सत संगत विच आउण वेले आलस कर लै, बाणी पढ़न वेले आलस कर लै, तेरे दुखां विच वाधा हो जाएगा। जिहड़ा दुखां विच वाधा कर देवे उह दुश्मन हुंदा, जिहड़ा सुख लिया के ज्यादा तुहानूं दे देवे उह तुहाडा मित्र है। इस करके वशिष्ठ जी वर्गे महापुरख भी इह गल कहिंदे है कि इह बंदे सृष्टि विच सब तों वड्डा जे कोई शत्रु है तां आलस है, जे सब तों वड्डा कोई मित्र है तां उद्यम है।
उद्यम की प्रेरणा गुरु साहब ने दी है। बड़ा सुंदर ये बचन है, उद्यम अगे लक्ष्मी पखे अगे पौन। पखे दे अगे अगे हवा तुरी फिरदी है, पखा चलोंगे हवा आपे आऊगी, भज्जी आऊगी। तो उद्यम करोंगे माई लक्ष्मी अपने आप ही मगर मगर दौड़ी आएगी। आलसी बंदे कोले माई लक्ष्मी भी नहीं आउंदी कदे वास्ते भी, उद्यमी कोले सारा कुछ आउंदा। इस करके उद्यम कर। उद्यम की करना, श्वास श्वास सिमरन कर, शब्द विचार लहो विश्राम। शब्द दी विचार भी करनी है, शब्द दा अभ्यास भी करना, फिर ही विश्राम सहज स्वरूप दे विच थां तेनू प्राप्त होएगा। वाहिगुरु दे स्वरूप विच तां ही तेनू थां उहदे चरणां विच जगह मिलेगी। सुन सगरे मन आनंद पाए, सारिआं ने सुन के मन विच बहुत ही आनंद प्राप्त कीता। बचनी ऐसे है जुगतियां साधनी ऐसे दसे है सच्चे पातशाह ने। तिम कीनस जिम गुरु बताए, जिवें गुरु साहब ने दसिया सी उवें करन लग पए। गुरु की सिक्ख्या नूं मन्नण लग पओ, गुरु की कृपा अपने आप ही आउण लग जांदी है, ते गुरु की कृपा विच ही सारे सुख आउण लग जांदे है। गुरु की कृपा नाल ही जो मन विच साधक चितव लैंदा उह आपे पूरा हो जांदा। सब तो वड्डी प्राप्ति वाहिगुरु दी गुरु दी है, वह भी गुरु की कृपा विचों ही आपे आप प्राप्त हो जांदी है। इस करके भाई गुरु की कृपा तदी प्राप्त होएगी जे गुरु के बचन मन्नांगे। हुण समा बहुत हो गया, अगे जाण दी आग्या नहीं दिंदा। अज दे शहीदी समागम विच साडियां बहुत ही पवित्र शख्सियतां महापुरख संत बाबा बुद्ध सिंह जी निक्के घूमना वाले और महापुरख जथेदार संत बाबा मान सिंह जी मड़ियां वाले, गुरु नानक दल मड़ियां वाले, वह महापुरख बैठे है। संत बाबा सुरजन सिंह जी बताले वाले संगत विच बैठे है। महापुरख संत बाबा मेजर सिंह जी वां वाले जिन्होंने संत बाबा जरनैल सिंह जी दे नाल रह के धर्मयुद्ध मोर्चे दे विच सारा कुछ अपने अखी वेखते रहे और महापुरखां दी जथे विच संगत कीती। ये सारियां शख्सियतां महापुरख संत आए है, सो सारिया महापुरखां दा रोम रोम करके बहुत बहुत धन्यवाद। सारी संगत दा भाई रोम रोम करके धन्यवाद है। मेरी एको बेनती हुंदी है कि आपां जो नियम बनाए हुंदे है ना, मैं तुहानू ये बेनती करांगा। कई बारी आपां देखो सारे रोग कष्ट तां गुरु ने कटने है, रख्या भी गुरु ने करनी है, पर जदों कदे महामारियां गुरु साहिबानां दे समें भी आउंदियां रहियां ना, तो गुरु साहब भी संगतां नूं सचेत करके संगत नूं साधन दसदे सी। श्री अमृतसर साहब च तपाली पै गई गुरु अर्जन देव जी दे समय। महाराज जी ने की किया, सारे शहर निवासियों नूं आग्या की कि भाई सारे शहर विच्चों बाहर चले जाओ, खूहां दे उत्ते बिरछां दे थले जाके डेरे ला लो, तां कि शहर दे विच्चों वो जिहड़ी तपाली है ना, तपाली बुखार नूं कहिंदे सन, इक किस्म दा बुखार, उहदे परमाणु जीवाणु आपे हवा दे नाल खत्म हो जाणगे, सारे निरोग हो जाणगे। ये गुरु साहब भी सचेतता ही कराउंदे रहे है। सो मेरी ये बेनती है, इस महामारी दे विच डाक्टर साहिबाना ने जो हदायत दित्ती है, भाई सारे दा ध्यान पूर्वक पालन करो, चेहरे चंगी तरह बन के रखो, नक तक जरूर चेहरे ढक के रखो। जे चेहरे नहीं ढक के रख सकते तो थोड़ी दूरी बना के बैठो, दूर बैठो, दूर खलो, दूरों बचन करो। ये मैं ता कहना, ये मनुखा जीवन सब तो अमोलक दात है। ये भंग दे भाड़े थोड़ो गवा लेना माड़ी माड़ी गल पिछे। ये भजन करना, सिमरन करना, सेवा करनी है, परोपकार करना, ये जिंदगी सफली करनी है। गुरमुख लई तां जिन्ना भी जिंदगी दा समा मिल जाए उन्हूं उन्ना ही वध तो वध लाहा है। शास्त्रां विच आया कि ऐ बंदे परमेशर दी भगती करन वास्ते उहदे कोलों निरोगता ते अपनी उम्र दी जांच ना करिया कर। इस करके मैं तां बेनती करदा, मनुखा जीवन नालों अमोलक दात कोई नहीं, बड़ी सावधानी रख्या करो। बच्चियां नूं भी
क्यों बच्चे बेचारे भोले इन्हों कोई पता नहीं इन्हों चेहरिया मास्क ला के जहाँ दूर दूर बिठाया करो आप भी भाई इन्हों गलों का जरूर ख्याल रखो ये मेरी बेनती तुसी सारे ने प्रवान करनी भुला चुका खिमा करनिया शहीदां दी याद विच लंगर चल रहे है अरदास तो उपरंत तुसी सारे ने लंगर छक के फिर घर जाना ये मेरी बेनती प्रवान करनी दमदमी टकसाल के महान विद्वान सत्कार जो ज्ञानी जीवा सिंह जी भी संगत विच बैठे है ज्ञानी साहब सिंह जी भी बैठे है भाई चमकौर सिंह जी सो सब दा ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा भुला चुका खिमा करनी सुन सगरे मन आनंद पाए तिम कीन सजिम गुरु बताए हे गोबिंद हे गोपाल हे दयाल लाल प्राण नाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार हे समरथ अगम पूरन मोहे मया तार अंधकूप महाभयान नानक पार उतार हे अचुत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनाश हे पूरन हे सर्वमय दुख भंजन गुण तास हे संगी हे निरंका हे निर्गुण सब टेक हे गोविंद हे गुण निदान जाकै सदा विवेक हे अपरंपर हर हर हह पी होवन हार हे संत है कै सदा संग निधारा आधार हे ठाकुर हों दास रूप मैं निर्गुण गुण नहीं कोय नानक दीजै नाम दान राखो ही है परोय आए प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल एक अखर हर मन बस्त नानक होत निहाल श्री वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार जो सरदा कर सेम दे गुर पार उतारन हार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह तू ठाकुर तुम पहिया।